हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। आज हम लोग मेंडल का फर्स्ट लॉ पढ़ने जा रहे हैं इनहेरिटेंस का। देखिए, आपको पता है जेनेटिक्स के जो जनक हैं, फादर हैं, वो ग्रेगर जोहान मेंडल हैं। और उन्होंने जब कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, तो वो कैरेक्टर किस तरीके से जाता है उसके लिए कुछ लॉ दिए थे, नियम दिए थे। इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टर्स किस तरीके से जा रहा है, प्रोसेस कैरेक्टर जाने की, उसके लिए कुछ लॉ दिए थे, नियम दिए थे, जिसका पहला लॉ आज आपको पढ़ना है। अगर आपको एक राज की बात बताए तो मेंडल का फर्स्ट लॉ उनका खुद का दिया हुआ नहीं है, उस लॉ को दूसरे साइंटिस्ट ने उनके एक्सपेरिमेंट से निकाला है। चलिए मेंडल के फर्स्ट लॉ की बात करें। मेंडल के फर्स्ट लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस का नियम। अब डोमिनेंस क्या होता है, मान लीजिए आपके घर में दो लोग हैं, मम्मी और पापा हैं, तो जो भी आपके घर में जिनकी चलती होगी वो डोमिनेट कर रहा होगा, और जिसकी नहीं चल रही होगी वो दब जा रहा होगा। पहले जमाने में क्या होता था, पापा की बहुत चलती थी, पापा घर में आते थे, मम्मी खड़ी हो जाती थी, चाय वाले के लिए चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए। लेकिन आज के समय में पापा घर से बाहर से काम करके घर पे आते हैं और तुरंत ही उनको मम्मी ऑर्डर देते हैं कि जाओ चाय बनाओ। तो पहले पापा डोमिनेंट थे, अब मम्मी डोमिनेंट है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब दो लोग साथ में रहेंगे तो एक डोमिनेंट होगा और दूसरा दब जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो मेंडल ने कैरेक्टर्स को पढ़ा था। मेंडल ने मटर के पेड़ पर एक्सपेरिमेंट किया था और मटर के कई सारे कैरेक्टर्स को पढ़ा था। अब जो कैरेक्टर मटर में दिख रहे थे उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कर दिया था और जो नहीं दिख रहे थे उसको रिसेसिव कैरेक्टर किया जा रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल मेंडल ने मटर के पेड़ की हाइट ले ली। जो मटर के पेड़ थे, पी प्लांट थे, उनकी हाइट दो तरीके की थी, एक थी टॉल लंबी हाइट और एक थी डॉर्फ बॉनी हाइट। तो हम यहाँ पे मेंडल के ही लॉ को लेके चलेंगे, उन्हीं के क्रॉस को लेके चलेंगे। तो हम एक पेड़ ले लेंगे जिसकी हाइट लंबी है टॉल, और दूसरा पेड़ ले लेंगे जिसकी हाइट छोटी है बॉनी है डॉर्फ। टॉल पेरेंट जो है उसको हम मेल ले रहे हैं और डॉर्फ पेरेंट हम फीमेल ले रहे हैं। यहाँ डॉर्फ मतलब छोटा नहीं, बौना होता है, बौने आप समझ रहे हैं। नॉर्मली पापा लंबे होते हैं, मम्मी छोटी होती है, हो सकता है उसका उल्टा हो जाए, पापा मम्मी लंबी हो जाए, पापा छोटे हो जाए, लेकिन जनरली क्या होता है, पापा टॉल होते हैं, मम्मी डॉर्फ होती है। अब मेंडल ने कहा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसकी पहले अल्फाबेट को, उसके जो वर्ड होता है, जो उसका जो भी हम शब्द यूज करते हैं उसके पहले अल्फाबेट को हम जीन या एलील के रूप में लेते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखिए इस दुनिया में मटर के पेड़ बहुत पहले से रहे होंगे, लेकिन जिस मटर के पेड़ पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो पेरेंट हम मान के चलेंगे, वो पहला पेड़ मान के चलेंगे दुनिया का। उनसे जो बच्चे बनेंगे उनको हम पहला जनरेशन या पहली पीढ़ी मान के चलेंगे जो उनके बच्चे बने, फिर उनसे जो बच्चे बनेंगे वो दूसरी जनरेशन होगी। अब जो गया सो बीत गया, अब जो चल रहा है उसको ध्यान देना चाहिए। तो ये जो पेरेंट हैं इनको हम मान के चल रहे हैं कि ये पहले पेड़ हैं दुनिया के मटर के। अब इनके जो बच्चे बनेंगे, मेंडल ने जब लंबे और बौने पेड़ के बीच में रिप्रोडक्शन कराया, मटर के लंबे और बौने पेड़ के बीच में रिप्रोडक्शन कराया, और उन पेड़ों से जो बिया बना रिप्रोडक्शन के बाद सीड बनी उसको जब जमीन में बो दिया, तो जितने नए पेड़ बने मटर के वो सब लंबे थे। तो मेंडल ने कहा कि बच्चों में पापा और मम्मी दोनों का कैरेक्टर आ रहा है, लेकिन बच्चे सिर्फ लंबे दिख रहे हैं, मतलब पापा का कैरेक्टर डोमिनेंट है और मम्मी का कैरेक्टर रिसेसिव है। पापा अपने आप को दिखा पा रहे, मम्मी बेचारी दब जा रही है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, टॉल। अभी हमने बताया डोमिनेंट कैरेक्टर के पहले अल्फाबेट को हम एलील के फॉर्म में लेते हैं, जीन के फॉर्म में। यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल है, इसका पहला अल्फाबेट क्या है, टी। तो टी को हम यहाँ पे जीन या एलील के रूप में लेंगे। जीन एलील क्या होता है, हमने पुरानी वीडियोज में मैं कुछ वीडियोस पढ़ी उसमें आपको पता चल जाएगा। जीन क्या होता है, जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, या माँ बाप से बच्चों तक कैरेक्टर जो लाता है, वो सबसे छोटी यूनिट कैरेक्टर को लाने की सबसे छोटी इकाई जीन होती है। और जीन के अलग अलग रूप एलील कहला जाते हैं। जैसे मान लीजिए हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट क्या होता है, एक कैरेक्टर है, इसको कोई जीन कंट्रोल कर रही है। अब मटर की दो हाइट है, टॉल और डॉर्फ। अब इन दोनों हाइट को अलग अलग जीन कंट्रोल कर रही होंगी, तो इन जीन के अलग अलग रूप को एलील कह दिया गया, ठीक है।
जैसे माना जाता है कि पहले के जमाने में सारे लोग बहुत लंबे हुआ करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों की हाइट कम होने लगी। तो मान लिया पहले 100 जीन्स थी और सब टॉल हाइट बना रही थी, बाद में 50 जीन ने बगावत किया, उन्होंने कहा कुछ नया करेंगे अपनी जिंदगी में, तो उन्होंने क्या किया, ड्वार्फ हाइट बनाना शुरू कर दिया। तो पहले एक ही जीन थी, बस उसके दो रूप हो गए, जो टॉल और ड्वार्फ हाइट को बनाने लग गए, तो ये जो जीन के दो रूप है इनको क्या नाम दे दिया गया, एलील। समझ में आया था? अब आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अब हम जीन या एलील सेलेक्ट करेंगे और जीन और एलील टी हो जाएगी। अब मेंडल ने बोला था कि हम टी का जो भी हम लेटर चुन रहे हैं उसका जो कैपिटल लेटर होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए होगा और जो स्मॉल लेटर होगा वो रिसेसिव के लिए। मतलब टॉल के लिए हम कैपिटल टी यूज करेंगे, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, ना कि डी, ठीक है। अब हम अगर क्रोमोसोम्स की बात करें तो इंसानों के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और हर क्रोमोसोम किसमें होता है, पेयर में होता है। क्रोमोसोम भी आप जानते हैं, जीन से बनता है डीएनए और डीएनए से बनता है क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम जीन से बना है। तो कैरेक्टर्स जीन भी ला रहा है, क्रोमोसोम भी ला रहा है, बस जीन सबसे छोटी यूनिट है और क्रोमोसोम सबसे बड़ी यूनिट है। अब भाई क्रोमोसोम के ऊपर जीन है, हमारे पास हर क्रोमोसोम पेयर में, पहला भी पेयर में, दूसरा भी पेयर में, तो 23 पेयर मतलब 46 है। ऐसे ही पेड़ों में भी हर क्रोमोसोम पेयर में होता है। मान लिया आपने कि पहले क्रोमोसोम पर हाइट वाली जीन है, तो पापा की अगर बात करें तो पापा के पास हाइट वाली कौन सी जीन है, कैपिटल टी। और पापा के पास कितने क्रोमोसोम है, पहले वाले दो है, इसलिए कैपिटल टी कितनी बार लिखा जाएगा, दो बार। भाई क्रोमोसोम पेयर में है तो एलील भी किसमें होंगे, पेयर में होंगे, इसलिए कैपिटल टी को एक बार नहीं लिखा जाता, कितनी बार लिखा जाता बेटा, दो बार। ऐसे ही मदर में भी, फीमेल में भी क्या होगा कि अगर पहले क्रोमोसोम पर स्मॉल टी है तो इस पहले क्रोमोसोम पर भी स्मॉल टी होगा। तो फीमेल में भी हम स्मॉल टी कितनी बार लिखेंगे, दो बार लिखेंगे। अब ये जो पेरेंट है ये गैमेट बनाएंगे। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं। अगर हम बात करें तो मान लीजिए मेल गैमेट स्पर्म कहलाया और फीमेल गैमेट एग कहलाया, इनके मिलने से जाइगोट बना। मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से हम लोग बने हुए हैं। हमारे पास कितने क्रोमोसोम होने चाहिए, 46। अगर पापा ने 46 क्रोमोसोम दिया होता, मम्मी ने 46 क्रोमोसोम पूरे पूरे दे दिए होते, तो हमारे पास 92 क्रोमोसोम हो जाते बेटा, 46 + 46 = 92। लेकिन हमारे पास होने कितने चाहिए, 46 ही होने चाहिए। इसका मतलब पापा ने भी कितना क्रोमोसोम दिया होगा, 23। मम्मी ने भी कितना क्रोमोसोम दिया होगा, 23। तभी तो हमारे पास 46 है। इसका मतलब जब जब गैमेट बनेगा, रिप्रोडक्टिव सेल बनेंगे, तो क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर कितने क्रोमोसोम है, दो। ये पेरेंट्स थे, ये क्या थे बेटा, पेरेंट्स थे। अब जब ये गैमेट बनाएंगे तो यहां पर दो क्रोमोसोम है। गैमेट बनने के समय क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। 46 का हाफ 23 था, तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा, 1। मतलब हर गैमेट में एक ही एक क्रोमोसोम जाएगा। आप यहां पर देखिए, मान लीजिए मेल पेरेंट गैमेट बना रहा है, तो जब गैमेट बनेगा तो ये 23 क्रोमोसोम एक गैमेट में चले जाएंगे, ये 23 क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में चले जाएगा। मतलब हर गैमेट में कैपिटल टी कैपिटल है, एक गैमेट में कैपिटल टी, ऐसे दूसरे गैमेट में कैपिटल टी। ऐसे जब फीमेल गैमेट बनाएगी तो उसके पास क्या होगा बेटा, स्मॉल टी। मतलब वो भी जब गैमेट बनाएगी तो उसमें भी क्या आ जाएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है गैमेट के मिलने से हम लोग बने हैं जाइगोट और प्लांट्स और एनिमल बने हैं, तो हमको गैमेट को मिलाना है। हम इस पहले गैमेट को इन दोनों फीमेल गैमेट से मिला सकते हैं। भाई मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं लल्ला लल्ला करते हुए और किसी से रास्ता पूछना है आपको, आपके सामने दो लोग खड़े हैं, तो आप इनसे भी रास्ता पूछ सकते हैं, इनसे भी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, पूछेंगे एक ही आदमी से। तो ये मेल गैमेट इन दोनों फीमेल गैमेट में से किसी भी मिल सकता है, मगर मिलेगा सिर्फ एक ही से, बट जब हम बनाते हैं तो सारी पॉसिबिलिटी बनाते हैं। तो अगर हम इसको और इसको मिलाएं तो ये मेल गैमेट इस फीमेल से मिलेगा, तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे इन दोनों को भी मिलाएं तब भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे जब हम इस मेल गैमेट को इस फीमेल गैमेट से मिलाएंगे तब भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी।
ऐसे इन दोनों को मिलाएंगे तब भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो जनरेशन बनती है, पीढ़ी बनती है, इसको बोलते हैं एफ वन जनरेशन। एफ वन का फुल फॉर्म होता है बेटा फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फर्स्ट मतलब पहली, फिलियल मतलब बच्चों की, जनरेशन मतलब पीढ़ी। तो एफ वन जनरेशन बच्चों की पहली पीढ़ी है। तो मेंडल ने जब टॉल पी प्लांट को ड्वार्फ पी प्लांट से क्रॉस कराया, रिप्रोडक्शन कराया, तो देखा उनके सारे बच्चे जो निकले वो सब टॉल थे। यहाँ पे जितने बच्चे हैं सब टॉल हैं। अब देखिए इन बच्चों में पापा की भी एलील आ रही है कैपिटल टी वाली, टॉल वाली भी आ रही है, और मम्मी की भी एलील आ रही है स्मॉल टी वाली, ड्वार्फ भी आ रही है। लेकिन दिख कौन सा करेक्टर रहा है, टॉल वाला, ड्वार्फ वाला नहीं दिख रहा है। तो टॉल को क्या बोलेंगे, डोमिनेंट करेक्टर, और ड्वार्फ को क्या बोलेंगे बेटा, रेसेसिव करेक्टर। जो करेक्टर दिखता है वो डोमिनेंट, और जो दब जाता है उसको क्या बोलते हैं, रेसेसिव। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि F1 हाइब्रिड में, हाइब्रिड मतलब वो बच्चा जिसके पास दो तरीके के पेरेंट के करेक्टर्स हो, एक मेल और एक फीमेल, वो हाइब्रिड नहीं। जब आप समझते हैं कि इंजेक्शन लगा दिया और सब्जी बन गई, हाइब्रिड उसे नहीं कहते। हाइब्रिड हम लोग हैं, प्लांट्स हैं, हम लोग क्या बने, दो पेरेंट से बने, मेल और फीमेल पेरेंट से। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब F1 हाइब्रिड में दो एलील आती हैं, एक ही जीन की दो एलील आती हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जो एलील अपना कैरेक्टर बनाती है वो डोमिनेंट एलील होती है, और जो अपना कैरेक्टर नहीं बना पाती है वो रिसेसिव एलील होती है। कैपिटल टी अपना कैरेक्टर बना रही टॉल, तो कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट एलील, और स्मॉल टी अपना कैरेक्टर नहीं बना पा रही ड्वार्फ, तो स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव एलील। आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि कैपिटल टी शेर है और स्मॉल टी चूहा। जब शेर और चूहा साथ में होंगे तो शेर दिखेगा, चूहा नहीं दिखेगा। तो कैपिटल टी का कैरेक्टर दिखेगा टॉल, लेकिन स्मॉल टी का कैरेक्टर ड्वार्फ नहीं दिखेगा। तो यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। एक बार लॉ ऑफ डोमिनेंस सुनेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन एन एफ वन हाइब्रिड व्हेन डिफरेंट एलील्स ऑफ ए जीन आर प्रेजेंट, देन द एलील व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील, एंड द एलील व्हिच डू नॉट गेट एक्सप्रेस इज कॉल्ड रिसेसिव एलील। तो जब दो एलील एक ही जीन की, एक जीन थी टी, उसके दो एलील जब एफ वन हाइब्रिड में आती है, तो जो एलील खुद को दिखाती है वो डोमिनेंट एलील होती है, और जो दब जाती है उसको रिसेसिव एलील कहते हैं। हम लॉ भी लिखे दे रहे हैं। तो व्हेन Different alleles of a gene is present in F1 hybrid. Hybrid two characters, क्योंकि इसके पास पापा का भी character है और मम्मी का भी। Then the allele which get expressed is called dominant allele, जो allele express हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, dominant allele, and the allele which gets suppressed, जो allele दब जाती है या जो दूसरी allele होती है उसको बोलते हैं बेटा recessive allele, is called recessive allele. तो ये आप लोग का लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, मेंडल का फर्स्ट लॉ। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है बेटा कि जब एक हाइब्रिड में, एक बच्चे में दो अलग तरीके की एलील, एक ही जीन की दो अलग तरीके की एलील आती है, तो जो एलील खुद को दिखाती है वो डोमिनेंट एलील, जो दब जाती है वो रिसेसिव एलील। तो होप आप लोग को लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और थोड़ा मुझे भी फेमस करें, हम भी अच्छे टीचर में आ जाएंगे। थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय।